बच्चों, जैसा कि आप रेगुलरली देख रहे हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज और एक छोटे छोटे पार्ट में बाइनोमियल को डिवाइड करके रखा है। तीन लेक्चर अभी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो आज लेक्चर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिस टॉपिक को लिया है बाइनोमियल में, वो हम लोग कर चुके हैं। बट हम लोग देखेंगे कि इन अ शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम में इन सारे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर एक साइड में एक फॉर्मेट लिया है, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट। हम इस स्टैंडर्ड को ले रहे हैं और आर की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है बाइनोमियल में। उसी से हम लोग टर्म डिसाइड करते हैं, उसी से सारी चीज़ें जनरल टर्म भी डिसाइड करते हैं। ये पता ही है, आपको बता ही चुके हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, तब जाके जैसे सीक्वेंस में आ रहा है, जिस ऑर्डर में। अगर आप बीच में कोई पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, सपोज़ आप पार्ट फाइव देख रहे हैं, तो हम आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप पार्ट वन देखें, फिर पार्ट टू देखें, एक ऑर्डर से ही देखें। बीच में अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में चीज़ें शायद ना आए। तो इसको देखो कैसे अप्लाई करेंगे। एक लाइन हम जैसे यहाँ पढ़ते जाएंगे वैसे वहाँ पे, तो कोफिशियंट एक्स, एक्स की पावर एम है, तो यहाँ कोफिशियंट एक्स की पावर सेवन है, तो यहाँ पर एम बराबर क्या हो गया, सेवन। आप देखें यहाँ पे हमने लिखा है एक्स की पावर पी अपॉन ए, ए दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ वन हो सकता है, टू हो सकता है। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कंपेयर कराइए, टू। तो पी यहाँ कितना आ गया, टू। आप देखें नीचे वाला, तो यहाँ पे b अपॉन, तो b समथिंग वन है, टू है, जो भी है, उससे मतलब नहीं है। दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट हम x की वेरिएबल की पावर पे कंसर्न है। तो q कितना है यहाँ पे, वन, और n दैट इज 31। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है r, ठीक। r अगर हमारा निकल आया तो हम tr आर प्लस वन फटाफट निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो r हमें पता करना है, तो r के लिए फार्मूला दिया गया, तो np, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, फटाफट लगा देंगे हम लोग। एन पी कितना है देखिए, इसका ऐसे हुआ था 31 इंटू टू माइनस एम, एम कितना, 7 हुआ, अपॉन पी प्लस क्यू कैलकुलेट करें, 3 हुआ, तो यहाँ 62 माइनस 7 अपॉन 3 कितना आ गया, 55/3 आया। जैसा कि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, आर अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो आपको इससे क्या कंक्लूजन निकला, नो सच टर्म एग्जिस्ट। ऐसा कोई टर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक्स पावर सेवन इस एक्सपेंशन में नहीं है। हमें आर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मिलनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मिलनी चाहिए, वही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे नहीं मिली, हमने वेरीफाई कर लिया, इजली वेरीफाई कर लिया, तो मैं आगे हेडक भी नहीं हुई, ज़्यादा हमारा समय भी नहीं लगा। जैसे अब यहाँ पे अप्लाई करते सपोज, तो हमें हम उस वाले फॉर्मेट को अप्लाई कर रहे हैं, तो m बराबर हमारा कितना आया, 18, n बराबर देखते हैं तो, हाँ n या p देख लें, n बराबर कितना है, 15, p बराबर कंपेयर करें तो 2 है, और q बराबर 1। एक बार हम फिर से मैच करा देते हैं, अगर आप कन्फ्यूज हैं। x की पावर m, हमने बोला ये स्टैंडर्ड ले रहे हैं, बिल्कुल इस स्टैंडर्ड को हर क्वेश्चन से कंपेयर कराएंगे। तो x की पावर 18 का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ x की पावर m का चाहिए, तो आप हाँ यहाँ हम लोग क्या मान रहे हैं, m बराबर 18। यहाँ देखिए x की पावर p है पहला पद, तो यहाँ x पावर 2 है, तो p को क्या मान रहे हैं हम लोग, 2 मान रहे हैं। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर q है, तो q को माना 1, और पावर इंडेक्स कितनी है, 15। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, एन पी माइनस पी एम अपॉन पी प्लस क्यू, जैसे ही एन पी करेंगे हम लोग कितना आया, 30, माइनस एक्स की पावर कितना, तो 18 चाहिए, 18 अपॉन पी प्लस क्यू करेंगे कितना आया, 3, तो यहाँ पे कितना आया, 12 आया ना, 12/3 दैट इज 4। तो हमें कौन सा टर्म मिल गया, टी आर प्लस 1 दैट इज टी 5, फिफ्थ टर्म हमारा आ गया, ठीक है। कोफिशियंट निकालना हो तो कोफिशियंट भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोफिशियंट जैसे इसमें निकालना है T5 में, तो T5 में कोफिशियंट निकालना है, जल्दी से हम लोग निकालना सीखा ही था। कोफिशियंट अगर निकालना हो 15C इससे कम 4, और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसको ध्यान देते हैं, तो बाद वाले में कांस्टेंट है, तो 3a की पावर, ये वाला पावर 4, ये हमारा कोफिशियंट भी आ गया। बहुत समय ने भी नहीं लगा, अभी जो क्वेश्चंस का जो ट्रिक दिया गया था वो ट्रिक से हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जैसे कि हम लोग लास्ट में देते हैं,
तो यहाँ फाइव क्वेश्चन हमने दिए हैं, आप इनको बारी बारी से उस फार्मूले को बोले या जो भी शॉर्टकट है उसको आप अप्लाई करें और उसके आंसर्स खुद से ढूंढें। आंसर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप हमारे तक भेज सकते हैं और जो भी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ टॉपिक्स अच्छे और लेके आएंगे। और बाइनोमियल को भी पूरा पार्ट वाइज आगे तक ले जाना है, तो आप वेट करते रहें, वन बाय वन एक एक करके हम लोग पर डे यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है।